Hello friends, welcome or welcome back to my YouTube channel. If you're watching my channel first time, then hello, I make video skincare, beauty, DIY, some blogs and a lot more. So make sure to subscribe my channel and also press the bell button to catch up all the notifications. तो गाइस वैसे टाइटल देख के पता चल गया होगा, फिर भी पता नहीं चला होगा पूरी तरीके से। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ एक DIY फेस वॉश। इससे पहले भी मैंने एक फेस वॉश बनाया हुआ है, उसकी वीडियो भी डाली हुई है। आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जा करके देख सकती हो। गाइस वो बहुत अच्छा फेस वॉश है और अभी तक मैं उसे यूज़ कर रही हूँ। मैंने तब का बनाया था, मेरे लिए अभी तक चल रहा है। वैसे तो मैंने 2-3 बार बना लिया है। तो आज भी मैं एक DIY फेस वॉश बनाने जा रही हूँ क्योंकि समर्स है और समर्स में हमें अपना फेस वॉश करने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। 2-3 बार अब हम अपना फेस अच्छे से वॉश हमें करना ही करना चाहिए। तो और जो बाज़ार के जो फेस वॉश होते हैं उनका यूज़ करने से थोड़ा सा हमें हटना चाहिए दूर। अगर आप लोगों की थोड़ी सेंसिटिव स्किन है, आपको कुछ सूट नहीं करता है, तो हमें DIY फेस वॉश का यूज़ करना चाहिए। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक DIY फेस वॉश। इस फेस वॉश के में हम जो भी इन्ग्रीडियंट के यूज़ करने वाले हैं वो बहुत ही ईजिली आपके किचन में और आपके घर में आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो और जो भी हम प्रोडक्ट इसमें यूज़ करने वाले हैं, इन्ग्रीडियंट यूज़ करने वाले हैं, बहुत ही नेचुरल हैं, तो आपकी स्किन को भी इनसे कोई हार्म नहीं होने वाला है। तो बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टिंग। तो यहाँ पर हमको DIY फेस वॉश बनाने के लिए मैंने यहाँ पर अपने सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ रख लिए हैं। आप लोग देख सकते हो मेरे यहाँ पर पास में 4 बाउल हैं जिनमें कुछ ना कुछ रखा हुआ है। अब ये क्या रखा हुआ है ये मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस वाले बाउल की। तो इसमें है, ये है राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा, जो कि मैंने अपने घर पर ही बना कर के रखा हुआ है। आप भी रख लीजिए, ये बहुत आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये स्किन ब्राइटनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है और कोरियन जो लोग होते हैं ना, उनके स्किन का सीक्रेट राइस ही होता है। उनके हर क्रीम में, हर टोनर में राइस का यूज़ होता है, जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइटन अप एंड वाइटन अप बना देता है। एंड ऑल्सो ये आपके स्किन पर स्क्रबिंग का भी काम करेगा, क्योंकि ये थोड़ा दरदरा होता है, तो आपके स्क्रबिंग का काम भी ये बहुत अच्छे से कर देगा। और सेकंड जो हमारा है वो है यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी हम सब लोग जानते हैं हमारे फेस के लिए कितना अच्छा होता है। ये बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है इसे यूज़ करना। तो मुल्तानी मिट्टी होता है वो आपके ऑयल को हटाता है आपके फेस से, जिससे कि आपको कोई भी फुंसियाँ वगैरह छोटी छोटी जो होती है ना गर्मियों में, उसकी प्रॉब्लम नहीं होती है और आपकी स्किन को बहुत अच्छे से नरिश करता है। और साथ साथ में ये गर्मियों में मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छी होती है और जिनकी ऑयली स्किन होती है ना, उनके लिए तो ये बेस्ट है। तो थर्ड है चीज़ है वो है, ये है ऑरेंज पील पाउडर। ये भी मैंने घर पर बनाया हुआ है। ऑरेंज के छिलके लिए थे, उनको धूप में सुखाया था और देन उनको पीस दिया था। तो ये भी मेरा घर का, ये सारे जो प्रोडक्ट है ना वो घर के ही समझो आप। और ये है मेरा चंदन पाउडर, ये मार्केट का, ये मैंने घर पर नहीं बनाया है। ये चंदन पाउडर है। चंदन पाउडर आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा कूलिंग देता है, गर्मियों में बहुत अच्छा होता है, आपकी स्किन को बिल्कुल भी इरीटेट नहीं होने देता है किसी भी चीज़ से। तो ये खाली बाउल मैंने ले लिया है, इसमें हमको ये सारी चीज़ एक एक करके डाल लेती हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसमें राइस फ्लोर डाल दिया है और सेकंड जो हमारी चीज़ थी वो थी मुल्तानी मिट्टी। तो मैं यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी ले रही हूँ। ये सारी चीज़ मैंने 1-1 स्पून लिया है। आप चाहो तो इसे ज़्यादा भी बना सकते हो, कम भी बना सकते हो। और ये मैंने लिया है ऑरेंज पील पाउडर एंड देन मेरा इसमें जाएगा चंदन पाउडर। तो ये हमने चारों चीज़ अच्छे से इसमें डाल ली हैं और इनको हमको कर देना है अच्छे से मिक्स, अच्छे से मिक्स कर देना है। और ये हमारा फेस पाउडर फेस वॉश बन करके रेडी हो गया है। और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाला है क्योंकि ये बहुत ड्राई है। बहुत ड्राई क्या मतलब, ड्राई फेस वॉश है तो ये ख़राब होने के तो इसके कोई चांस ही नहीं है। आप इसको सिर्फ फेस वॉश की तरह नहीं, आप इसको एज अ फेस पैक भी यूज़ कर सकते हो। आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होगा। गर्मियों में आप इसका यूज़ कीजिए, 1-2 टाइम दिन में 2 बार कर सकते हो आराम से। तो आपको अपनी स्किन में बहुत अच्छा इसका नज़र आएगा, रिजल्ट है वो बहुत अच्छा दिखेगा। एक बार इसे ट्राई ज़रूर करना। और अभी मैंने इसको इसमें अपने कंटेनर में डाल लिया है, आप भी किसी में भी इसको स्टोर करके रख सकते हो। और ये मेरा DIY फेस वॉश बनकर रेडी है। बहुत इजी है, बहुत क्विक बनता है और इसके जो रिज़ल्ट है ना वो अमेजिंग है, अमेजिंग गाइस। आप एक बार प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पर। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों के लिए मेरी थोड़ी सी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।